हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या क्या चीज़ें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ रखा है। बेसिक्स जो है सारे कवर हो गए हैं स्टैट मैक के। तो पार्टीशन मेन बात, मेन काम यही होता है, कंटिन्यूस सिस्टम हो, डिस्क्रीट सिस्टम हो, क्वांटम मैकेनिक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं है, इरिस्पेक्टिव दैट मेन काम यही होता है पार्टीशन फंक्शन बनाओ और काम आगे बढ़ाओ। पार्टीशन फंक्शन मिल गया तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ निकल जाते हैं। तो ऐसे कुछ काम हम लोग बहुत कुछ बहुत अलग अलग केसेस में कर चुके हैं, कंटिन्यूस सिस्टम में, डिस्क्रीट सिस्टम में, एट्सेट्रा। बट मैग्नेटिक सिस्टम में हम लोगों ने ये काम नहीं किया है। ठीक, सो मैग्नेटिक सिस्टम की बात करें, मैग्नेटिक सिस्टम इन द सेंस जो मैग्नेटाइजेबल सिस्टम है, तो कोई मेटल का ब्लॉक हो गया, आयरन है, कॉपर है, कुछ भी है, अलग अलग मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा पिक्चर आपको दिख रहा है, पिक्चर छोड़ छोड़ो, तो आयरन का ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में बाहर से अगर हम फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा कि आयरन जो है उसके अंदर भी फील्ड डेवलप होती है, उसके अलॉन्ग डेवलप हो ऐसा कोशिश होती है, आयरन के अंदर फील्ड जो है स्ट्रांग हो जाता है। कॉपर के अंदर भी होता है, नहीं होता है, किसी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं, वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो एसेंशियली पैरामैग्नेटिक सिचुएशन की हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल जैसे अगर पूछे कि ओके, चलो स्टडी करनी है हमको मैग्नेटिज़म की स्टडी करनी है कि एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो डायपोल है, कोई भी मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेट ही मान लो, छोटा मोटा मैग्नेट, ठीक है, तो वो किस तरीके से अलाइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस डायरेक्शन में फील्ड है तो जो डायपोल है वो इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में अगर है और इस डायरेक्शन में फील्ड होती है तो कोशिश करेगा वो कि वो इस डायरेक्शन में ही अलाइन हो। पर अगर वो किसी टेम्परेट मीडियम में है, बाहर से कोई रेडिएशन आएगा तो वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, वो किसी और डायरेक्शन में उसको घुमा देगा, ये सारा कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो एसेंशियली डायपोल कितने अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप बोलोगे कि ये तो इनफाइनाइटली पॉसिबल, एक स्फेरिकल टाइप का डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, पिक्चर शायद इतना क्लियर ना हो, तो एक्सटर्नल एक फील्ड है, ठीक है, और उसमें एक सिंगल डायपोल, ये जो एरो है वो सिंगल डायपोल है, वो उसके अलॉन्ग मैंने बनाया है, किसी एंगल पे हो सकता है, घूम फिर के इधर उधर उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, अब ड्यू टू दिस इंटरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड में जब ये डायपोल आता है तो क्या होता है, तो फिर उसमें उस डायपोल में, मैग्नेटिक डायपोल में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, और वो एनर्जी की वैल्यू जो होती है माइनस म्यू बी डॉट बी, इसके बराबर होती है। म्यू बी क्या है, डायपोल मोमेंट है, बी क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा एनर्जी कैसी होगी। अब वो जो एंगल है वो अगर 0 डिग्री हुआ तो एनर्जी जो है लोएस्ट होगी, यानी कि एनर्जी एक तरीके से रिलीज होगी, ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है, लीस्ट एनर्जी वाला। और अगर इसको घुमा के मैं 180 करूँगा तो फिर फील्ड उसके अपोजिट है, ये चाहता ऐसा होना है बट ऐसे फंस गया है। ठीक है, तो उस केस में थीटा 180 डिग्री होगा, एनर्जी हाईएस्ट होगी उस केस में। बट ये सारे अलग अलग थीटा पे चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा मानते हुए हम लोग इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो सिंगल डायपोल है यहाँ पे, उसका डायपोल मोमेंट म्यू बी, एक्सटर्नल फील्ड बी में रखा हुआ है, किसी एंगल थीटा, अलग अलग एंगल थीटा पे हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम लोग कहते हैं कि जो भी पॉसिबल एनर्जीज हैं उसकी बात करो पहले, कितने पॉसिबल एनर्जीज हैं, 4-5 पॉसिबल होते, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जीज पॉसिबल होते, तो फिर हम लोग जेड इक्वल्स टू सिग्मा ई रेस टू माइनस बीटा ई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अलग अलग टर्म्स बनते हैं। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे जो डायपोल है वो किसी भी अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी जो कंटिन्यूस सिस्टम टाइप का सिचुएशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, और उस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो बाकी जो एनर्जीज है उन सबको भूल जाओ, जो प्रेशर, दूसरे प्रेशर वगैरह के कारण जो एनर्जी है वो सब भूल जाओ। एसेंशियली जब मैं पूछ, ओके, सो वो सब बाद में बात करें, ओके, सो बाकी सब एनर्जी भूल जाओ, केवल इस एनर्जी की बात करते हैं, केवल मैग्नेटिक हिस्से की बात करें अगर, तो इस तरीके से जेड का जो एनर्जी है वो इतना हो जाएगा माइनस म्यू बी इंटू कैपिटल बी, ये फील्ड वाला भी है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और हमको पता है जेड निकालने के लिए ई रेस टू माइनस बीटा ई, अब यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ एक माइनस और आता, दोनों मिलके बन गए प्लस, बीटा और एनर्जी कितनी है, म्यू बी बी कॉस थीटा। अच्छा,
ये कैपिटल भी है और ये बीटा है, तो आगे ध्यान रखना वो चीज़ अलग अलग है दोनों, कंफ्यूज मत होना, बी है दो दो बार लिखा ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके सो ई रेज टू माइनस बीटा ई, ठीक है। अब इसके बारे में कहते हैं कि इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इस तरह का कुछ आपको याद है, तो अलग अलग पॉसिबल पोजिशन मोमेंटम की बात करते हैं। बट हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया ये मैग्नेट अपनी जगह में है और ये मूव वूव नहीं कर रहा, तो मोमेंटम वगैरह की बात छोड़ दो, सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है ना, क्या किन चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं, तो केवल एंगल में चेंज हो रहा है, ठीक। तो स्फेरिकल पोजीशन भी नहीं चेंज हो रहा, स्फेरिकल सिचुएशन टाइप का मान लो, उसमें जो आर है, आर वाला फैक्टर इसमें है ही नहीं, तो उसमें जो बचता है एंगल वाला पार्ट, किसी भी डायरेक्शन में एंगल हो सकता है, तो वो एंगल वाला पार्ट क्या होता है, तो साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई, ठीक है। ये हो गया जेड, जेड को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल डी फाई, क्योंकि यहाँ पे फाई है नहीं, वो सीधे सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा 0 to 2 पाई, वो बन जाएगा 2 पाई, ठीक है। और फिर कॉस थीटा को हमने रख लिया एक्स, तो कॉस थीटा को एक्स रख लिया, तो डी एक्स बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा, उसको डायरेक्टली यहाँ पे रख लिया, लिमिट्स बन जाएगी -1 to +1, -1 to +1, क्यों, थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से थीटा एंगल हम नाप रहे हैं, तो थीटा एंगल 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 180 तक जा सकता है, तो उसको यूज़ करते हुए -1 से +1 हमारे पास लिमिट्स आ गई, और उन लिमिट्स को रख दिया, तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन कुछ इस तरीके से आ गया, साइन हाइपरबोलिक, तो ई रेस टू बीटा म्यू बी माइनस ई रेस टू माइनस बीटा म्यू बी, ये कैपिटल बी है, ये बीटा है, ठीक। तो ये जेड आ गया पार्टीशन फंक्शन मैग्नेटिक सिस्टम का, ठीक है। मैग्नेटिक सिस्टम का जेड मिल गया, क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिलहाल वो हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं है, जेड हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। अब हमको पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर एनर्जीज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी हिस्से में आ जाएगी, तो जब डी यू लिखते हैं तो उसमें बाकी चीज़ों को, प्रेशर वॉल्यूम वगैरह को हटा दिया, अपनी जगह पे स्टैटिक है, तो वो सब चेंजेस हो ही नहीं रहे, ऐसा मान लिया, ठीक है। केवल बचा क्या, टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स, कि वो अपनी जगह पे, टेम्परेचर बाहर से कुछ एनर्जी मिल गई तो इधर उधर घूम सकता, तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स यहाँ पे है, और सिमिलरली जो फील्ड का इफेक्ट है वो भी यहाँ पे है, तो मैग्नेटाइजेशन इंटू बाहर से जो फील्ड आ रहा है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ क्या, तो ये जो डायपोल है ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो बाहर से फील्ड बी आ रही थी तो ये कितना मैग्नेटाइज हुआ उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको चलो यू के केस में कंफर्टेबल चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि एंट्रोपी को यहाँ पे कांस्टेंट मानते हुए डेल यू बाई डेल एस टाइप का रिलेशन आएगा, उनको नहीं चाहिए। ओके सो हमको क्या चाहिए, हमने इसको एफ के टर्म्स में लिखा, फ्री एनर्जी के टर्म्स में, और उससे पता चला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल एफ बाई डेल भी निकाल लेंगे तो हमको मैग्नेटाइजेशन मिल जाएगा सिस्टम का, एवरेज मैग्नेटाइजेशन, ठीक। अच्छा, एवरेज मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब है, या मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब है, कि आयरन बार, जैसे आयरन और कॉपर को कंपेयर करते हैं, आयरन बार है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर उस पर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाता है, उसके अंदर की जो फील्ड होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ये बात आपको पता है, आयरन कोर वगैरह यूज़ करते हैं, जबकि उसी की जगह कॉपर यूज़ करेंगे तो उतना मैग्नेटाइज नहीं होता, ठीक। तो बाहर के फील्ड के कारण अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स जो अंदर रखे हुए हैं, उसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, कितना ज़्यादा हुआ मैग्नेटाइजेशन, कितना कम हुआ मैग्नेटाइजेशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में उसके बारे में आप लोग देख लेना कंसेप्ट क्या है एग्जैक्टली, ठीक। तो हमारे काम की चीज़ मैग्नेटाइजेशन है, उसको निकाला हमने, एफ क्या होता है, एफ होता है माइनस के बी टी एल एन जेड, या के बी टी की जगह हमने 1 बाई बीटा रख दिया एल एन जेड, और फिर वो सारा कुछ डिफरेंशिएट किया, ये कैपिटल बी है, बीटा नहीं है, ठीक है, फील्ड वाला, तो उससे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई, कॉट हाइपरबोलिक ऑफ समथिंग -1 बाय दैट सेम थिंग इंटू म्यू, ये मैग्नेटाइजेशन आ गया। ये मैग्नेटाइजेशन था जब 3D में हम उस चीज़ को एंटरटेन करेंगे, ठीक है, और 3D में मैग्नेटाइजेशन कुछ इस तरीके से आ गया। किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। म्यू क्या चीज़ है, म्यू तो मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लेते हैं वो कुछ उस मटेरियल की प्रॉपर्टी रही होगी वगैरह, ठीक। फिलहाल
बीटा और कैपिटल बी इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो फॉर अ पर्टिकुलर अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं और बाहर से आपने फील्ड लगाया, ठीक है, तो उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन हो गया, बट अगर आप उस मटेरियल को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या बाहर के फील्ड को आप कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है क्या वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा घटेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर? ये चीज़ इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। बीटा की वैल्यू टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है, तो कुछ उसका यूज़ करते हैं। बीटा की वैल्यू टेम्परेचर से रिलेटेड है तो 1/KBT रख देंगे, तो कॉट ऑफ समथिंग बाय टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर बाय समथिंग, इस तरह का रिलेशन है। तो मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? तो वैसा दिखेगा। तो मैंने सेम चीज़ लिख रखी है जैसे आप देख रहे हैं डेसमोस का ग्राफिंग टूल है। तो वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वगैरह भूल जाओ, बाकी मैं मेन मैंने प्लॉट किया है। तो एक्स क्या चीज़ है? एक्स हमारा है म्यू इंटू बी, इसको हमने एक्स रख दिया है, म्यू बी बाई के बी, यही मान लो मतलब। और ए क्या चीज़ है? ए आपका टेम्परेचर, तो बीटा को 1/KBT रखोगे तो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है और बाकी चीज़ एक्स है, वैसा हमने रख दिया। ओके, सो अब वाई वर्सेस एक्स ये ग्राफ बनाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चलो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं फील्ड बढ़ाता जाऊंगा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ना चाहिए। ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सारा कुछ फिक्स है, और जैसे जैसे एक्स मूव करता हूँ, एक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूँ तो देख रहे हैं ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये बढ़ता जा रहा है, पर इस रीजन में ऐसा लग रहा है कि ये लीनियरली बढ़ रहा है शुरुआत में जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो के आसपास है, और थोड़े देर बाद ये बढ़ने का रेट बहुत कम हो जाता है और बाद में बहुत स्लोली बढ़ता है। ऐसा कुछ पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा बिहेवियर है, जैसे जैसे फील्ड बढ़ाऊँगा वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, ठीक। अब मैं टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? तो टेम्परेचर ए का रिप्रेजेंटेटिव है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ तो मैग्नेटाइजेशन कम होता जा रहा है, तो वही फील्ड है वही ब्लॉक है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो जो बाहर के फील्ड का इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुआ है वो उसका इफ़ेक्ट कम होता जाएगा जैसे जैसे मैं उसको हीट करते जाता हूँ, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर उसका टेम्परेचर कम करते जाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर अगर मैं कम करते जाता हूँ तो ऑफकोर्स उल्टा फ़र्क पड़ रहा है, और जब मैं टेम्परेचर ले जाता हूँ ज़ीरो केल्विन पे तो फ्लैट एकदम। ज़ीरो केल्विन का क्या मतलब है? ज़ीरो केल्विन का मतलब ये जो डायपोल है इसको बाहर से कोई रेडिएशन मिले इसका कोई चांस ही नहीं है, बाहर से कोई एनर्जी ले ही नहीं रहा, ये बस अपने आप में है, ठीक है। और बाहर से जैसे ही फील्ड आएगा तो डायपोल तो चाहता है कि वो उस फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाए, डायपोल थोड़ी चाहेगा कि उसके परपेंडिकुलर अलाइन हो या कुछ टेढ़ा मेढ़ा हिल हो, वो चाहेगा कि एनर्जी मिनिमाइज़ करके माइनस म्यू बी बी के बराबर हो जाए, मतलब कॉस थीटा जो है वो वन हो जाए, एनर्जी जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, तो वो उसके अलॉन्ग अलाइन होना चाहता है। उसको रोक कौन रहा था? टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होता था? अगर बाहर से कुछ रेडिएशन आ रही है उसको डिस्टर्ब कर रही है बार बार, तो वो यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं रह पाता, कभी इधर मुड़ गया कभी इधर मुड़ गया एंड सो ऑन, तो उसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा वो कभी इसका कुछ छोटा कंपोनेंट होगा कभी उसका और छोटा कंपोनेंट होगा, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम से थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा टाइप का हमको सिचुएशन समझ में आता था। तो वो चीज़ दिख रही है जैसे ही ज़ीरो टेम्परेचर किया, बाहर का डिस्टर्बेंस बंद हुआ, फील्ड के हिसाब से जितना मैग्नेटाइजेशन हो सकता है हो गया, ठीक है, और कितना हो सकता है तो वो आप देख लो कि भाई इतना हो सकता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। कॉट हाइपरबोलिक मैक्सिमम वैल्यू 1 के लगभग हो जाता है, और उसके आपका करस्पॉन्डिंग जो बी होगा उसको देख लो, जो भी फील्ड है उसके हिसाब से मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो ये दिख रहा है, ठीक है, ओके। और मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा? वो बी
कि ओके ठीक है। सो ये ऐसा डायपोल था, मैग्नेट था, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता था, ठीक है। बट आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वगैरह अगर पढ़ी है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स पढ़े हैं, तो आप लोगों ने स्टर्न गेलाक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। स्टर्न गेलाक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, उसने बताया है, उसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में के इन्फ्लुएंस में डालते हैं, तो ऐसा तो जैसे इस डायरेक्शन में जो है, ओके मैं बता देता हूँ नीचे वाले डायग्राम से, ओके ठीक। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का एक स्पिन होता है, एच कट बाई टू के बराबर उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसा कुछ आप जानते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है वो, या एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो प्लस एच कट बाई टू या माइनस एच कट बाई टू, यही दो वैल्यू मिलती है। ऐसा नहीं है कि एच कट बाई फोर भी मिल गई प्लस, बीच की जो वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स अलग अलग मिल सकते थे, इस पर्टिकुलर एरो का कंपोनेंट थोड़ा छोटा हो जाता, इसका कंपोनेंट थोड़ा छोटा हो के नेगेटिव में होता, इसका कंपोनेंट फुल आ रहा है। तो वैसा सिचुएशन रियल में क्वांटम मैकेनिकली देखा गया है, चीज़ों में देखा गया है, मॉलिक्यूलर लेवल पे और एटॉमिक लेवल पे और पार्टिकल लेवल पे, तो हमेशा कि ये जो फिनोमेना है डिस्क्रीट स्पिन्स का, ये फॉलो होता है। तो अगर आप फील्ड लगा रहे हैं और एक लैटिस है, लैटिस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनके पास कुछ स्पिन है, तो वो सारे स्पिन या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन होंगे या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट अलाइन होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही अलाइन होंगे, चाहते वो हैं बट वो प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है, ठीक है। तो एसेंशियली हम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में थोड़ा इजी हो जाता है, सोच सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी के लिए आपने कहा था बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, अलग अलग थीटास के लिए अलग अलग एनर्जी होगी। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो इस सिचुएशन में कि एनर्जी के केवल दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक तो अलॉन्ग है उसमें माइनस म्यू भी हो जाएगा ये वाला केस, और एक प्लस वाला केस है अपोजिट वाला, जो कि ये वाला केस हो जाएगा। जेड बनाते हैं, बहुत सिंपल हो गया। अब तो दो टर्म्स आएंगे, ई रेस टू माइनस बीटा ई, ई रेस टू माइनस बीटा ई, दोनों ई को रख दिया, और फिर टू कॉश बीटा एम बी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, कॉश फंक्शन होता है। सिमिलरली मैग्नेटाइजेशन निकाला, कुछ इस तरीके से है। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन, अच्छा मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली बात यहाँ पे नहीं की है, बट अगर इसमें एन पार्टिकल्स है तो पर पार्टिकल, क्योंकि एक ही पार्टिकल का मैं हिसाब ले रहा हूँ, तो ये जो डेल एफ बाई डेल बी से रिलेशन आने वाला है यहाँ से, वो पर पार्टिकल मैग्नेटाइजेशन है। तो मैंने बाय एन मैग्नेटाइजेशन पर पार्टिकल डिनोट करने के लिए यहाँ पे बस एक ऐड कर दिया इसको, तो यहाँ पे आपको कोई एन नहीं मिलेगा जो कि यहाँ आ गया है नीचे डिनोमिनेटर में, ऐसा नहीं है, वो मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं मैग्नेटाइजेशन पर पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा क्लियर टाइप का दिख जाए, ऐसा मेरा आइडिया है। ओके ठीक। सो अब हाँ, अब देखो ये रिलेशन आया, जब ये फुली फ्री था तो कैसा रिलेशन आया था मैग्नेटाइजेशन का, कुछ ऐसा रिलेशन आया था। अब जब फुली फ्री नहीं है, लैटिस की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्पिन्स की बात कर रहे हैं, स्पिन्स के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइन हो सकता है, ये सब मानते हुए हम आगे बात कर रहे हैं। अच्छा ये म्यू बी की बात कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट, तो ये नोन वैल्यूज़ होती है डायपोल मोमेंट, इसको बोर मैग्नेटॉन, ये डायपोल मोमेंट की बात होती है, तो एसेंशली बोर मैग्नेटॉन म्यू बी भी होता है, वो चीज़ें पता है हमको पार्टिकल्स के लेवल पे कि इतना डायपोल मोमेंट होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है, मैं उसको एज अ म्यू लिख रहा हूँ। ये केमिकल पोटेंशियल नहीं है, केमिकल पोटेंशियल वाला म्यू अलग होता है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी म्यू लिखा हुआ है वो डायपोल मोमेंट वाला म्यू है। ओके सो मैग्नेटाइजेशन पर पार्टिकल इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है कि, तो फिर इसका ग्राफ देखेंगे, तो हमारे पास ये ग्राफ रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बी क्या चीज़ है, बी आपका टेम्परेचर, आपका नहीं मतलब फील्ड का, ये
जिस मटेरियल का टेम्परेचर, मटेरियल जिस बाथ में रखा हुआ है उसका टेम्परेचर। तो वही जैसे थर्मोडायनेमिक्स पे सिस्टम होता है एनसेंबल्स में, कि एक छोटा मोटा सिस्टम है वो बड़े एनवायरनमेंट में रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर कुछ है, तो वही वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है। बड़े एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर बीटा है, इन्वर्स टेम्परेचर, और उसमें कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मैग्नेटाइजेबल ब्लॉक, कॉपर हो सकता है, ठीक है। और उसके बारे में कहा गया कि भाई उसका मैग्नेटाइजेशन निकाला हमने, वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। और अगर इसको वीक फील्ड लिमिट में देखें, चलो उसकी बात करेंगे, फिलहाल तो इसकी बात करते हैं। ओके, सो यू बी बाई के बी टी, ओके, बी और टी, हाँ ठीक। सो यहाँ पे जो बी है वो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मैं वेरी करता हूँ, तो टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये फील्ड को जिस तरीके से जैसा पिछले केस में देखने को मिला था, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी कुछ वैसा ही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते आता हूँ तो जो है कम फील्ड में ही ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, चलो देखो, अगर टेम्परेचर हाई है तो मेरे को वन यूनिट फील्ड देने पे कुछ इतना मैग्नेटाइजेशन मिलता है, वो कितना होगा, 0.2 के लगभग का, 0.2 नहीं, 0.34 का, 0.38 का लगभग ये मैग्नेटाइजेशन दे रहा है जब मैं वन फील्ड लगा रहा हूँ तो। बट अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूँ तो वन फील्ड लगाने पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, कॉपर में सब्सटेंस वही है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे भी मैग्नेटाइजेशन कुछ उसी तरीके से अफेक्ट होता दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि टेम्परेचर मैं कम करते जाऊँगा तो क्या ये रिज़ल्ट दे रहा है, ये रिज़ल्ट दे रहा है कि भाई ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, टेम्परेचर ज़ीरो करोगे तभी तुमको फुल मैग्नेटाइजेशन मिलेगा जैसे ही फील्ड लगाओगे, ठीक है। वो तो हम लोग बात कर चुके हैं पिछले कंटिन्यूस वाले केस में, बट एसेंशली देख रहे हैं कि फील्ड जैसे ही लगाते हैं थोड़ा थोड़ा तो काफ़ी मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा अगर कम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक। अब इस प्रोसेस में क्या ये तो चलो हमने थियोरेटिकली कुछ अजम्पशन लिए हुए हैं, उस अजम्पशन में अगर कुछ कमी होगी तो उसके हिसाब से चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, ठीक है, तो वैसा कुछ बात करनी पड़ेगी। खैर उससे पहले हम लोग उससे पहले सीवी की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट की, ठीक है। तो इसी केस में मैंने मैग्नेटाइजेशन निकाल दिया, अच्छा ओके, सो हाँ, सो वीक फील्ड और हाई टेम्परेचर केस में वीक फील्ड यानी कि फील्ड कम हुआ और टेम्परेचर ठीक ठाक हुआ, तो फिर क्या होता है, तो फिर जो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के आसपास वाला रीजन होता है वो लीनियर रीजन होता है। लीनियर रीजन मतलब उस रीजन में आप टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को एक्स के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो टेन हाइपरबोलिक हटा दो, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो एम बाई एन वीक फील्ड के केस में कुछ इस तरीके से, हाई टेम्परेचर वीक फील्ड लिमिट में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल फील्ड के जो मैग्नेटाइज हुआ है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप होगा, या मैग्नेटाइजेशन 1/T के प्रोपोर्शनल है। यही चीज़ आपने देखी होगी क्यूरीज लॉ के नाम से अपने एलिमेंट्री क्लासेस में, वो चीज़ यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से डिराइव कर रहे हैं, जो चीज़ ऑब्जर्व की गई थी, ठीक है। और ओके, सो अब इसके बाद इसी सिस्टम के लिए मैग्नेटाइजेशन की बात कर ली, जेड से इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। तो जेड से स्पेसिफिक हीट निकाल के उसकी बात करते हैं, तो ये जो DCU है, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, सो इसके लेक्चर जो है उसके लेक्चर्स में से एक नोट्स में निकाल के लाया हूँ, और इससे मैं CV का जो कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी है, उसका बिहेवियर आपको शो करता हूँ। तो ये पैरामैग्नेटिक सिस्टम में जिसमें दो ही एनर्जीज पॉसिबल है,
assumptions को मानते हुए वगैरह वगैरह आगे काम किया, जेड निकाला जैसे मैंने निकाला था, इंटरनल एनर्जी निकाला, सी वी सी निकाला हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी के बारे में ये फार्मूला आ गया हमारे पास, थीटा को ऐसा कुछ रख, मतलब ये फार्मूला आ गया हमारे पास। ये फार्मूला में पता चला कि जो हायर टेम्परेचर लिमिट है उसमें कैपेसिटेंस जो होता है हीट कैपेसिटी 1/T² के प्रोपोर्शनल होती है, और लोअर टेम्परेचर्स पे हीट कैपेसिटी उतनी होती है। अच्छा, ये हीट कैपेसिटी क्या है? ये हीट कैपेसिटी जो है मैग्नेटिज्म के कारण जो हीट कैपेसिटी है उसकी बात हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर ब्लॉक है, कॉपर ब्लॉक में मैग्नेट्स अलाइंड है इधर उधर जैसे भी, अब उसको आप हीट करोगे तो वो उनका अलाइनमेंट बिगड़ेगा, ज़्यादा डिस्टर्ब होगा वगैरह वगैरह, ये सब फिनोमेना अंदर होने वाला है और उनके एवरेजिंग से ये सब इफेक्ट आने वाला है, ये सारी बात हुई थी। बट अगर आप हीट करोगे तो हीट कैपेसिटी क्या होती है कि आपने कुछ हीट दिया 1 जूल ऑफ, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको 5 जूल्स हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री के लिए, कभी आपको 50 जूल्स देना पड़ रहा है, तो हीट कैपेसिटी जो है 50 जूल्स वाले केस में ज़्यादा हो गई। तो वैसे वो बात यहाँ पे देखी गई है कि ड्यू टू मैग्नेटिज्म, जो लैटिस इफेक्ट्स है वो अलग है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है उसकी बात कर चुके हैं वो भी अलग है। अच्छा, आप लोगों के कोर्स में नहीं किया है, वो सॉलिड स्टेट में किया हुआ है, जो आप लोग को रेफ़र करना है तो आप कर लेंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिक सॉरी हीट कैपेसिटी का ये रिलेशन है, हायर टेम्परेचर से पे 1/T² से फ्लो करते हैं, लोअर टेम्परेचर पे ये वाला रिलेशन फॉलो होता है, और जो पैटर्न दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये DCU के लेक्चर नोट्स में से एक है, ठीक है, ओके। अब अगर बात करें, ये मैग्नेटाइज बाहर से फील्ड आया, ये चीज़ें मैग्नेटाइज हो गई वगैरह वगैरह, ओके। अब लो टेम्परेचर्स पे जैसा मैं बोल रहा था कि अगर टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो क्या पैटर्न यही रहेगा? ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे डायपोल्स हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। बट कम टेम्परेचर पे क्या होता है, कम टेम्परेचर पे लोग थोड़ा आराम से एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो जो डायपोल इंटरेक्शंस है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, या मतलब जैसे आप कहेंगे कि बाहर से मैंने फील्ड लगाई तो इस मॉलिक्यूल पे फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है वो इधर अलाइन हो सकता है वो इधर अलाइन हो, बट ये जो आसपास मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं उनका खुद का अलाइनमेंट जो है वो भी तो इसको इफेक्ट करना चाहिए, उनके कारण भी तो कोई फील्ड है, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट आया, और ये चीज़ जो है लोअर टेम्परेचर्स पे काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है, और उसके हिसाब से एक फॉर्मूला, एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट क्या है उसके बेसिस है, उसका रीजनिंग है, जो उस रीजनिंग के पीछे मैं नहीं जा रहा। तो वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी एक है, उसने क्या कहा कि भाई आप बाहर से फील्ड दे रहे हैं तो जो अंदर में सब्सटेंस है उस पर जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो केवल बाहर के फील्ड का नहीं होने वाला, उसके अलावा भी कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है, और उसके अलावा कैसा इफ़ेक्ट होने वाला है, तो अंदर जैसा मैग्नेटाइजेशन हुआ है, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें और ये सारे इस फील्ड के अलॉन्ग अलाइन हो जाते हैं, तो इस फील्ड के अलॉन्ग ये लोग भी एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मैग्नेटाइज हुए, और जितना ये लोग मैग्नेटाइज हुए हैं आसपास वाले, उतना ही ये इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैग्नेटाइज करने में इफ़ेक्ट प्ले करेंगे। तो जो भी मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मैग्नेटाइजेशन में, तो एक्सटर्नल फील्ड का तो रोल है ही, और जहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का रोल था वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन का भी रोल का कुछ हिस्सा, सम कांस्टेंट लैम्डा, कुछ हिस्सा हम लोग इसके साथ जोड़ के उसका जो इफ़ेक्ट है वो होने वाला है। तो अब जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट बाय एन बाय म्यू, ठीक है, सॉरी, अब हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो कुछ इस तरह का रिलेशन फॉलो करने वाला है। यहाँ पे बी की जगह हमने बी प्लस दिस होल थिंग पुट कर दिया है, एडजस्टमेंट वगैरह मैंने किया है, कुछ कॉमन निकाला वगैरह वगैरह, कुछ गलत हुआ हुआ तो देख लेंगे। अच्छा, मैंने कुछ नहीं, हाँ, तो म्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया यहाँ पे बस, और कुछ अलग नहीं है, ठीक। और फिर कॉमन वगैरह निकाल के कुछ ऐसा रिलेशन बनाया है, तो स्मॉल एम को मैंने रख दिया है कैपिटल एम बाय कैपिटल एन कैपिटल
म्यू मतलब मैग्नेटाइजेशन पर पार्टिकल टाइप की ही चीज़ है ये, म्यू एक एक्स्ट्रा चीज़ है उसको छोड़ो वो कांस्टेंट वगैरह है। तो स्मॉल एम की बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन ऑफ वन पर पार्टिकल, ये कैसा होगा, ये खुद भी मैग्नेटाइजेशन पर पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होने वाला है, ठीक है। अब जब वीक फील्ड की बात करते हैं, जब अच्छा अगर ऐसी बात है कॉपर है, ठीक है, आपने उसको कुछ कॉपर या कोई सब्सटेंस है आपने उस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है तो मैग्नेटाइज होगा, इस तरह की बात थोड़ा देर पहले कर ली। बट वीस क्या कह रहा है कि कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, बी के जगह इस चीज़ को रखो बी प्लस लैम्डा एम बाय, तो उससे फार्मूला थोड़ा चेंज होके मैं हमको मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है, इस फार्मूले से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है देखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूले को हम में हम बी को ज़ीरो रख सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो रखते हैं तो क्या होगा ये देखने की बात है। एक्सटर्नल फील्ड को ज़ीरो रखेंगे तो जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको एम नॉट कह दिया, स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस कुछ इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, एम नॉट इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको कैसे सॉल्व करोगे, एम नॉट इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस टू एम वगैरह कुछ होता तो सॉल्व कर लेते, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। शायद क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने जब फाइनाइट पोटेंशियल वेल के बाउंड स्टेट्स की बात की होगी तो इसको सॉल्व करते हैं वहाँ पे। तो हमने क्या कहा, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मतलब वेरी किस चीज़ को करना है, मैग्नेटाइजेशन जो है हम उसकी बात करनी है, तो मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड जो है उसको हम फंक्शन मान लेते हैं एफ, तो एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एम नॉट जो कि एम नॉट के बराबर है क्योंकि लेफ्ट साइड में वही है, राइट साइड में जो चीज़ है वो दूसरा फंक्शन है एम नॉट का, और इस होल चीज़ को जो ये चीज़ थी इसको हमने टी सी कह दिया फ़िलहाल, ठीक है, टी सी क्यों कह रहे हैं उसकी बाद में इनटू एम नॉट। अब अगर ये दोनों फंक्शंस को प्लॉट करेंगे, यहाँ पे एम नॉट हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ एम नॉट और जी ऑफ एम नॉट, तो एफ ऑफ एम नॉट तो सिंपल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा आपका, मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स वो वाला लाइन हो गया सीधा सीधा, तो वो ये लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ये आपका वाई इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन, ये वाला फंक्शन हो गया। अब हम जी की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ग्राफ बनाते हैं। जब टेम्परेचर की वैल्यू टी सी से ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टी सी से ज़्यादा अगर टेम्परेचर की वैल्यू हुई तो उसका जो ग्राफ बनेगा टेन हाइपरबोलिक वाला वो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर उसकी वैल्यू टी सी से कम होगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये करने का मकसद क्या है, हमको फाइंड करना है कि ये दोनों साइड इक्वल कहाँ पे होते हैं, यानी कि ये जो F बना रखा है और ये जो G बना रखा है ये दोनों इक्वल कहाँ पे होते हैं, इक्वल कहाँ पे होते हैं मतलब इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, ये किसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अच्छा ये इंटरसेक्शन मिल रहा है हमको, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन कहाँ पे मिलता है, तो मिलता है हमको, ठीक है, वो इस फंक्शन से। बट ये देखने की बात है कि जब टेम्परेचर्स टी सी से ज़्यादा होते हैं तो कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलता, यानी कि जब हम ज़ीरो फील्ड लगाएंगे तो हमको कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलेगा अगर टेम्परेचर टी सी से ज़्यादा है, और अगर टेम्परेचर टी सी से कम है तो हमको मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, ठीक है। और टी सी की वैल्यू क्या है, टी सी की वैल्यू है आपके पास लैम्डा म्यू स्क्वायर बाय के, तो एक स्पेशल चीज़ है टी सी, और टी सी जहाँ पे लेस देन टी के बराबर होगा वहाँ पे नॉन ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा बी इक्वल्स टू ज़ीरो पे, इस चीज़ को देखते हैं ग्राफ में, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन कैसा है, हमारे पास इक्वेशन ऐसा है एम इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक दिस थिंग, ठीक है, तो इस चीज़ को ग्राफ में देखते हैं, तो टेन एम इक्वल्स टू टेन हाइपर ओके एम इक्वल्स टू ओके इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्या, एम इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक म्यू बाई के बी टी बी प्लस लैमडा म्यू एम ओके, सो वाई ओके क्या क्या चीज़ें वेरी करनी है हमको, टेम्परेचर वेरी करनी है, फील्ड को ज़ीरो ही रख देते हैं और यहाँ पे वाई ही रख देते हैं, अच्छा ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छा तरीका है, ओके खैर
चलो ट्राई करते हैं क्या बनता है, देख लेते हैं फिलहाल तो। सो मैग्नेटाइजेशन जो है एट बी इक्वल्स टू जीरो कुछ ऐसा फॉलो करने वाला है, ठीक है। बी इक्वल्स टू जीरो पे अगर ये ऐसा फॉलो करने वाला है, टेम्परेचर है यहाँ पे, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अच्छा ये तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इसमें कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ओके 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 अब ये बी इक्वल्स टू जीरो पे तो मैग्नेटाइजेशन जीरो मिल रहा है, कुछ ऐसी बात दिख रही है। बी इक्वल्स टू नॉन जीरो पे क्या सिचुएशन होगा? तो यहाँ पे एसेंशली ये बी वाला पार्ट हो गया और ये टेम्परेचर वाला पार्ट, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर वाला पार्ट इसमें ओके एक्स बाय बी, टेम्परेचर तो फुल बाहर है क्या? टेम्परेचर तो बाहर है ना। ओके बी प्लस ओके तो ए को नीचे ले आते हैं। उस डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास बी जो है वो टेम्परेचर है, ए जो है वो फील्ड है, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब हम जीरो कर देते हैं तो कुछ ऐसा सिचुएशन हमको दिख रहा है, ठीक है। बट अगर ए की वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ, फील्ड बढ़ाता हूँ, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है। अब जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू हम यहाँ पे नाप रहे हैं वो एक पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में ही, क्योंकि जो भी मैग्नेटाइजेशन होगा, फिजिकल सिस्टम ये है, इधर से फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो जो भी मैग्नेटाइजेशन हम नाप रहे हैं इस फील्ड के डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है वही करेक्ट रिजल्ट है, नेगेटिव डायरेक्शन वाला रिजल्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो जीरो के बाद वाला ये हिस्सा है यही हमको एक्यूरेट चीज़ दे रहा है, नेगेटिव साइड वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, ठीक। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है? इससे दिखाई दे रहा है कि अगर फील्ड की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होता है? तो इवन, अच्छा सॉरी, फील्ड की वैल्यू ओके फील्ड की वैल्यू ज़ीरो कर देते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू, अब यहाँ पे टेम्परेचर है और ये है फील्ड, यहाँ पे एक्स कर रहा है इसको, ग्राफ गड़बड़ हो गया थोड़ा। एनीवेज सो खैर फिलहाल मैं आपको रेडीमेड चीज़ बता देता हूँ और क्या। ओके सो जो ग्राफ बनेगा इस केस में, तो बी इक्वल्स टू ज़ीरो पे भी, बी इक्वल्स टू ज़ीरो पे भी, बी इक्वल्स टू ज़ीरो पे भी जो एम नॉट की वैल्यू है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे कोई एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। तो जो ग्राफ शुरू होगा बी इक्वल्स टू ज़ीरो पे भी एम नॉट की वैल्यू कुछ होगी, एम की वैल्यू कुछ होगी, और जैसे जैसे बी बढ़ाते जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कोई मटेरियल है, जैसे जैसे बी बढ़ाते जाएंगे उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट के आसपास, मतलब वो जो मैक्सिमम उस फॉर्मूले के हिसाब से वहाँ तक जाएगा। बट ये चीज़ देखने के, आप बोलोगे कि भाई बी इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब बाहर से आपने कोई फील्ड लगाई नहीं, बिना फील्ड लगाए मैग्नेटाइज हो गया, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, तो जैसे आप इस डायरेक्शन में फील्ड लगा रहे हैं, बहुत हाई फील्ड लगाई, या इस रीजन में हैं आप, ठीक है। अब फील्ड आप कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो कम करते करते जब आप जो भी सब्सटेंस है फील्ड को ज़ीरो कर चुके होंगे, तब भी आप देखेंगे कि इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, जो मैग्नेटाइजेशन है, कुछ रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बच गया है, ऐसा पॉसिबल है। विथ टाइम वो ड्रॉप हो जाएगा, विथ टाइम वो ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उल्टे डायरेक्शन में फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन में वही चीज़, हाई फील्ड लगाएंगे, धीरे धीरे लो लेते आएंगे, तो जब आप ज़ीरो फील्ड पे पहुँचेंगे तो मैग्नेटाइजेशन
कुछ जो है उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड उल्टा लगाया था, बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। असल में क्या होगा, असल में जब आप फील्ड लगाते जाएंगे तो सब्सटेंस चाहता है जीरो फील्ड पे यहाँ कहीं पे होना, कम फील्ड पे यहाँ कहीं पे होना, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता है फील्ड। जैसे जैसे आप फील्ड, अगर आप धीरे धीरे फील्ड आप तेज़ी से बढ़ा रहे हो तो कुछ इस पैटर्न को फॉलो करेगा, फील्ड आप ख़त्म कर रहे हो तो वो इस लाइन को फॉलो करेगा। अब एक चीज़ आपको याद आएगी यहाँ पे, हिस्टेरेसिस। अगर आप फील्ड कम करके छोड़ दोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में फील्ड लगाने की कोशिश करोगे तो हल्का सा फील्ड लगाओगे यहाँ तक चढ़ जाएगा, फिर फील्ड बढ़ाते बढ़ाते वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा एंड सो। अच्छा नहीं, हल्का फील्ड लगाने से मतलब वो खैर इस पैटर्न में जाएगा वो, फिर ऐसा वापस आएगा। बट अगर आप फील्ड जो है कम करते करते ज़ीरो करते हो और आप वेट नहीं करते, आप उल्टे डायरेक्शन में फील्ड लगाना शुरू कर देते हो, तो वो इस पैटर्न को कुछ फॉलो करते हुए उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे चला जाएगा। इसी चीज़ को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। तो एसेंशियली जो वीस मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एसेंशियली फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने की का एक स्टेप है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, आप उसको मैग्नेटाइज कर देते हो, उसको फिर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन में जाता है, तो एक हिस्टेरेसिस लूप उसमें मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। तो वो चीज़ इसी इफेक्ट के कारण आ रही है जो वीस मॉलिक्यूलर फार्मूला से जस्टिफाई होता दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस बी, तो जब टेम्परेचर्स हाई है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। बट अगर फील्ड हम कम कर देंगे, सॉरी टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे तो क्या होता है, ग्राफ यहाँ से दिखता है ऐसा कुछ, ठीक है, और फिर यहाँ से उल्टे डायरेक्शन में दिखता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है और फिर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब वही मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, ये थोड़े लोअर टेम्परेचर पे, सॉरी ये थोड़े हाई टेम्परेचर पे, ये टीसी से लोअर टेम्परेचर पे, ये उससे भी लोअर टेम्परेचर पे एंड सो ऑन। तो वैसे ही यहाँ पे एम वर्सेस टी ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड को कांस्टेंट रखा गया है। तो जब एक्सटर्नल फील्ड कांस्टेंट रखते हैं और एम वर्सेस टी ग्राफ बनाते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड को कांस्टेंट रखोगे तो बी को कांस्टेंट रखोगे और एम वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। अगर बी नॉन ज़ीरो है तो टैन हाइपरबोलिक वाला जो ग्राफ है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। बट अगर बी जीरो, अच्छा बी नॉन ज़ीरो है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करता है, और अगर बी ज़ीरो है तो वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और बी को कांस्टेंट रख रहे हैं, और ये जिस पॉइंट पे हिट करता है, ये पॉइंट जो होता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर वाला होता है एम वर्सेस टी ग्राफ में फॉर ज़ीरो एक्सटर्नल फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर की बात करेंगे तो जब तक आप एक्सटर्नल फील्ड नहीं दोगे तब तक आपको कोई फील्ड नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल फील्ड दोगे तभी फील्ड मिलेगा। बट जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे आते हो, वो एक यहाँ पे, तो आप अगर एक फील्ड दोगे तो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। बट आप उल्टे डायरेक्शन में फील्ड अगर नहीं भी दियो तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। ठीक है, विथ टाइम डिसिपेट होता है बट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में वो रह जाता है। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ है, एक पिक्यूलियर चीज़ है, यहाँ पे मैंने एम वर्सेस बी ग्राफ बनाया हुआ है और एम वर्सेस टी ग्राफ बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एम को वी से रिप्लेस कर देते हैं, बी को पी से रिप्लेस कर देते हैं, और यही चीज़ स्टडी करते हैं सब्सटेंसेस के लिए। तो अगर सब्सटेंसेस को, चलो गैसेस की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे जब आप बात करेंगे, गैसेस जो है इधर उधर भाग रहे एक दूसरे से, जो है बहुत हाई एनर्जी पे है, तो एसेंशियली वो आइडियल गैस की तरह ट्रीट हो किए जा सकते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर पे ग्राफ आता है वो काफ़ी ऐसा इस टाइप का आता है। ठीक, अब
अगर लो टेम्परेचर्स की बात करोगे, लो टेम्परेचर्स में तो फिर जो ग्राफ होगा लो टेम्परेचर में, तो लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप उसका प्रेशर, तो हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइसोथर्म्स बना रखे, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है। पानी ले लेते हैं, पानी की बात करते हैं अगर एग्जांपल लेके, ठीक है, तो पानी है, ठीक है, पानी का प्रेशर जो है वो कम करते जा रहे हैं। तो एक कंटेनर में पानी लिया, ठीक है, अब उसको डीकम्प्रेस करते जा रहे हैं, पानी को खींचते जा रहे हैं, ठीक है, खींचते जा रहे हैं, तो प्रेशर कम कर रहे हैं, तो प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम उसका जो है बढ़ेगा। वॉल्यूम उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, हल्का फुल्का, बहुत ताकत लगेगी आपको, बहुत प्रेशर उसका जो है चेंज करना पड़ेगा ताकि आप उसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज कर सकें लिक्विड फेज में। तो ये लिक्विड रीजन है। अब उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, अब उसको आप एक्सपेंड करते जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद वो वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे, तो ये आ रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वेपर बन के वेपर बन जाएगा, तो कुछ इस रीजन में ऐसा दिखाई देगा, आइडियल गैस टाइप का उसका ग्राफ मिल रहा है। बट एसेंशियली हमने क्या किया है, हमको पता है वांडरवाल्स इक्वेशन ऑफ गैस होता है, उस वांडरवाल इक्वेशन ऑफ गैस को प्लॉट कर दिया है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इसमें टेम्परेचर मान लो हुआ 100, इसमें मान लो टेम्परेचर हो गया 80 केल्विन एंड सो ऑन, ठीक। तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमने प्लॉट कर दिया है और ये किसी हाई टेम्परेचर पे प्लॉट किया है। तो देखा क्या गया है कि ये जो थ्योरेटिकल प्लॉट है ये कुछ इस तरह का पैटर्न दिखता है हमको। तो यहाँ पे प्रेशर जो है, आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी प्रेशर कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बट प्रेशर आप और अब प्रेशर आप बढ़ाएंगे, अब आप प्रेशर अगर बढ़ाने लग गए उस पर, कम करने के बाद बढ़ाने लग गए, तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, ये क्या बात हुई, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन नहीं है। हमने, ठीक है, वांडरवाल गैस का जो इक्वेशन बनाया है वो यूनिवर्सल इक्वेशन नहीं है, वो चीज़ कम्प्लीटली वैलिड नहीं है, वो एक लेवल तक वैलिड है। तो एसेंशली क्या होता है रियल में इसी प्लॉट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिक्विड है वो अचानक से एक्सपेंड होता है और गैस बन जाता है, और फिर वो गैस वाला रिलेशन फॉलो करता है। तो ये जो कर्व है, ये जो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये चीज़ एब्सेंट होती है, ये स्ट्रेट अवे यहाँ से चला जाता है। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम पहले शुरू में कुछ था, अचानक से इंक्रीज होता है बिना प्रेशर के चेंज के, प्रेशर उतना ही, ठीक, और फिर उसके बाद फर्दर आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से फेज ट्रांजिशन जो है इस पीवी ग्राफ में दिखता है। बट अगर आप देखेंगे लोअर टेम्परेचर्स पे ये जो होते हैं बहुत स्टीप होते, अच्छा किस पॉइंट पे ये मूव होगा, कि इसके हाफ वे में मूव होगा, कहाँ पे मूव होगा, तो मैक्सवेल ने ऑब्जर्व किया था, मैक्सवेल ने स्टेट किया था कि यहाँ पे जो एरिया है, इस रीजन में जो एरिया है और इस रीजन में जो एरिया है वो बराबर होगा उस जगह पे ये लाइन खींची जाएगी। तो यहाँ से असल ग्राफ क्या है, असल ग्राफ ये नहीं है, ये फॉर्मूले से बना है। असल ग्राफ क्या है, असल ग्राफ यहाँ से आ रहा है, फिर अचानक से इधर गया और फिर ये ड्रॉप हो गया। वैसे ही कुछ यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, आप इसी लाइन को मान लो, तो अचानक से इधर चला जाएगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो पीवी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं ये जो कर्व है ये स्टीप होता जाएगा, स्टीप होता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ये जो कर्व का जो स्टीपनिंग है वो बंद हो जाएगा, और एसेंशियली अगर इसको ड्रॉ करें तो इस पर ड्रॉ हो सकता है, नहीं हो सकता, ओके, सो वो ऐसा जाएगा और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा और फिर वो सीधे नीचे निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मिनिमा आ रहा है और फिर एक मैक्सिमा आ रहा है। अब ये जो मिनिमा है उसकी हाइट, मतलब उसका डेप्थ कम होता जा रहा है, मैक्सिमा का हाइट कम होता जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें दोनों बराबर पे आ जाएंगे। तो ऐसे ग्राफ आया, ऐसे सीधा हुआ, और जो गड्ढा और पहाड़ है उसको बनाने से पहले ही नीचे चला गया, ये एक ऐसा सिचुएशन आएगा। और फिर उसके ऊपर की बात करेंगे तो वो होगा ही नहीं, कुछ इस तरह का पैटर्न जो यहाँ पर बना हुआ है वो आपको मिल जाएगा। तो
ये जो सब्सटेंस होता है इसको एक्चुअल में गैस कहते हैं, ये जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं वेपर, और ये जो लिमिटिंग रीजन होता है इसको हम वो जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। जिस प्रेशर और वॉल्यूम पे फेज ट्रांजिशन होता है उसको क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे को सर्च कर देना चाहिए वो चीज़। तो पीवी कर्व फेज ट्रांजिशन, हाँ जैसे ये कर्व है। ओके सो आप लोग को फेज ट्रांजिशन के बारे में पढ़ना है तो मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ बालकृष्ण के लेक्चर से NPTEL में, मैं एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, वो आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। हाँ ठीक है। सो एसेंशियली ये सिचुएशन है, लिक्विड जो है वो स्लाइटली एक्सपैंड होते हुए आती है, अचानक से गैस बनता है और फिर ड्रॉप हो जाता है। ये लोअर टेम्परेचर है, ये एक हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। क्रिटिकल सिचुएशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिक्विड है वो गैस बन जाता है, और ये क्रिटिकल आइसोथर्म है। उसके करस्पॉन्डिंग जहाँ पे फेज ट्रांजिशन होता है या फेज ट्रांजिशन कहा जा रहा है, तो उस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और उसके अबव जो है जो गैस मिलने लगता है, आइडियल गैस मतलब वो अच्छे खासे टेम्परेचर पे कहा जाता है, बट क्रिटिकल पॉइंट के बाद चीज़ों को गैस कहा जाने लगता है। और उसके पहले वाले जो सिचुएशन होता है यहाँ पे जो लिक्विड से गैस बने हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वेपर्स। टेक्निकली कभी उसको गैस बोल दिए, कभी मतलब टेक्निकली उसको वेपर बोला जाता है, पर कभी कोई गैस बोल देता है, वो कोई फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। तो एसेंशली आप ये दोनों सिचुएशन को कंपेयर करोगे, इसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कुछ अलग बिहेवियर होता है, उससे कम टेम्परेचर पे कुछ नया बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इसी फिनोमिना को एक तरीके से फेज ट्रांजिशन कहा जा सकता है, कहा जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर अलग चीज़ है, फेज ट्रांजिशन अलग चीज़ है। ओके सो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से एक पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक प्रेशर वॉल्यूम पे अचानक से लिक्विड से वॉल्यूम पे चीज़ें स्विच होती है। तो जैसे मैंने ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है, वाटर के लिए लाइन जो होती है कुछ इस तरीके से जाती है, अदर रेगुलर सब्सटेंसेस के लिए लाइन जो होती है कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, और ये रीजन जो है ये सॉलिड रीजन, तो यहाँ पे सॉलिड होता है, यहाँ पे गैस होता है, और यहाँ पे होता है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस मिलेगा। हाँ ठीक, यहाँ पे लिक्विड हो गया, यहाँ पे गैस हो गया। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर, मान लो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो तो आपको आइस मिलेगा, सॉलिड मिलेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो आपको लिक्विड मिलेगा, और फिर जैसे ही आप 100 क्रॉस करते हो आपको वेपर मिलेगा। ठीक है, तो इस रीजन को एग्जैक्टली वेपर कहना ज़्यादा सही होगा। और जैसे ही चीज़ें TC से एक्सीड कर जाए उसके बाद फिर आपको ये ग्राफ कंटिन्यूड नहीं मिलता। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉस करते हो क्या होता है, अचानक से वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, पानी जो है, पानी को अगर आप 100 डिग्री पानी है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अगर आप उसमें एनर्जी ऐसी देते हो कि अचानक से वो वेपर बन जाए, तो वो सेम वॉल्यूम पे नहीं होगा, सेम प्रेशर पे, सेम टेम्परेचर पे, बट उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा, और थोड़ा नहीं ठीक ठाक ज़्यादा होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है वॉल्यूम में। तो यहाँ पे जो है ये एक मतलब कड़क चेंज होता है एसेंशियली लिक्विड टू गैस, बट जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर, अच्छा जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, मतलब अच्छा आपने क्या किया, आपने प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस से वाटर और वाटर से स्टीम बना लिया, बट अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आप ऊपर चले गए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड आप इस पॉइंट पे है स्टीम पे, बट अब आप क्या करते हो, प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो स्टीम वापस वाटर बन जाएगा इसको क्रॉस करके, ये ऐसा हो सकता है। बट
एक पॉइंट के बाद क्या होता है, जैसे ही आप टीसी एक्सीड करते हो तो फिर आप लगा लो प्रेशर, कितना प्रेशर लगा लो, उससे फ़र्क किस तरह का पड़ता है वो बात करते हैं, बट एग्जैक्टली वहाँ पे फिर आप लिक्विड मिल जाएगा ऐसा कहना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लिक्विड और गैस में फ़र्क क्या होता है? लिक्विड और गैस में फ़र्क ये होता है कि लिक्विड जो होता है आप बर्तन में डालोगे वो उसमें सेटल हो जाएगा, बॉक्स में डालोगे तो, बॉक्स में गैस डालोगे तो पूरे बॉक्स में फैल जाएगा, ठीक है। तो एसेंशियली लिक्विड का एक मेनिस्कस होता है, उसका जो एक टॉप और मतलब उसका एक बाउंड्री होता है, ठीक है, जो कि गैस में ऐसा कुछ नहीं होता, गैस फ्लूइड होता है कम्प्लीटली। तो वो जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री जो है वो वीक होती जाती है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर एक्सीड बढ़ाते जाते हैं सब्सटेंस का, वो बाउंड्री बहुत वीक होती जाती है, और इस टेम्परेचर के बाद वो बाउंड्री डिसअपियर हो जाती है। तो लिक्विड और गैस में जो आपको क्लियर अंतर दिखाई देता है, वो अंतर खाली दिखाई की बात नहीं, होने की बात अगर करें, वो अंतर जो है वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सारी चीज़ों जो डिटेल्स हैं, मेरे ख्याल से बेटर होगा आप दूसरे सोर्सेज को रिफ़र करें। मेन बात ये है यहाँ पे कि जैसे मैग्नेट में अचानक से एक ट्रांजिशन होता है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पे, वो कैसा बिहेव कर रहा था, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पे, ओके वो ग्राफ यहाँ पे नहीं है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पे ग्राफ कुछ ऐसा जाता, ठीक है, बट क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे ये कुछ नॉन ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है एट ज़ीरो एक्सटर्नल फील्ड। इस टाइप की बात हम लोगों ने थोड़ी देर पहले की, जो कि ये सिचुएशन है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परे हायर टेम्परेचर पे कुछ ऐसा सिचुएशन है, और क्रिटिकल से लो पे ये अलग सिचुएशन, पेक्यूलियर सिचुएशन शो करने लग गया। तो इसको फेज़ ट्रांजिशन कहना एक तरीके से सही होगा। वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है, लिक्विड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, गैस की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के बाद यहाँ पे जैसे फेज़ ट्रांजिशन में देखते हो, क्रिटिकल पॉइंट के बाद अब आप वो लिक्विड गैस वाला भेद एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर ये चीज़ काम नहीं करती। तो वैसे कुछ यहाँ पे भी होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से आप एक्सीड कर गए, आगे निकल गए, तो आपको पैरामैग्नेटिक सिचुएशन ही मिलेगा, फेरोमैग्नेटिक नहीं मिलेगा, ओके। और वैसे ही जैसे यहाँ पे एम वर्सेस टी ग्राफ बनाया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे वी वर्सेस टी टाइप का ग्राफ आपको दिख रहा है। तो पानी की बात करें, पानी को टेम्परेचर जो है कुछ है, ठीक है, अब अगर उसका टेम्परेचर वी वर्सेस टी ग्राफ है ना, तो टेम्परेचर अगर आप उसका बढ़ाओगे तो ये लिक्विड सिचुएशन है। अब उसी टेम्परेचर पे, अगर उसी टेम्परेचर पे लिक्विड है, उसी टेम्परेचर पे गैस है, तो गैस का वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से आपको हायर टेम्परेचर पे लिक्विड जो होगा और हायर टेम्परेचर पे गैस होना है, और दोनों के बीच में वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, और ये डिसअपियर हो जाएगा एट टी इक्वल्स टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जैसे ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर रीच करते हैं, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है और गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम टाइप का होता है, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। जो यहाँ पे फेस होता है वो एक मिक्स तरीके का सिचुएशन होता है, कुछ लिक्विड और गैस मिक्सचर, मिक्सचर एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे बट थोड़ा वो फजी फेज़ होता है। उसके बारे में बालकृष्ण के लिए लेक्चर्स आप प्रेफर करें, रेफ़र करें तो बेटर रहेगा, ओके। सो फेज़ ट्रांजिशन की बात है, थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ अदर देन वॉट एवर मैंने अभी बता रखा है इन रेफरेंस टू मैग्नेटाइजेशन, कि फेज़ ट्रांजिशन जो होता है दो टाइप का होता है। अच्छा, उसका भी ग्राफ मैं आपको शो कर देता हूँ। एक फर्स्ट ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन होता है और एक सेकेंड ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज़ ट्रांजिशन में क्या होता है, अचानक से चीज़ें चेंज होती हैं, अचानक से जो है वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज होता है, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक। तो उसमें आप देखोगे स्टैक एक्सचेंज में ये ग्राफ था, हालांकि मेरे ख्याल से ओके इससे बेटर, ओके ओके फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन ये, ठीक, खैर ये वही इमेज है। एनीवे, तो स्टैक एक्सचेंज में ये इमेज था, ये बढ़िया इमेज है। तो वॉल्यूम की बात कर रहे हो, वॉल्यूम जो है लिक्विड का, अगर आप उसको हीट करते जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है,
बट जैसे ये फेज ट्रांजिशन होता है, जैसे लिक्विड से गैस बनता है, वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज होता है उसी टेम्परेचर पर। सिमिलरली एंथाल्पी हो गया, केमिकल पोटेंशियल हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये कुछ इस तरह का पैटर्न शो कर रहा है। बट मेन बात ये होती है कि ये जो वॉल्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, एनर्जी वगैरह हो गया, हीट कैपेसिटी जो होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अचानक से स्पाइक करता है। क्यों स्पाइक करता है? आप कह रहे हो कि फेस ट्रांजिशन क्या हुआ, आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में बदल गया। कितना हीट देना पड़ा? जो भी लेटेंट हीट होता है, कुछ फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ा। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 0 डिग्री। ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा टी की बात अगर करोगे तो क्यू जो है वो फाइनाइट है, टी जो है आपका ज़ीरो है, तो सी क्या हो जाएगा? फाइनाइट बाई ज़ीरो, यानी कि इनफाइनाइट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी जो है स्पाइक करता है। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है? वो थोड़ा स्मूथ होता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वॉल्यूम ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, बट जो रेट ऑफ चेंज होता है इन चीज़ों का, अलग अलग क्वांटिटीज़ का, तो वो डिसकंटिन्यूस नहीं होता बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। या फिर आप देखोगे जो पैटर्न है वो चेंज होता है। ठीक है, एंट्रोपी को देख रहे हो बढ़ रहा है, फिर अचानक से वो उसका स्लोप चेंज हो जाता है। और जो हीट कैपेसिटी है, जैसे ये एनर्जीज की बात हो रही है, हीट कैपेसिटी जो है वो एनर्जी का डिफरेंशियल du/dt, एंथाल्पी कुछ वैसी चीज़ थोड़ा अलग है, बट du/dt होता है हीट कैपेसिटी। तो अगर ये डिसकंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है तो हीट कैपेसिटी क्या होगा? यहाँ पे अचानक से स्पाइक होगा। यहाँ पे क्या सिचुएशन है? डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है, तो क्या होता है? यहाँ पे हीट कैपेसिटी में फाइनाइट चेंज होता है, डिसकंटिन्यूस फाइनाइट चेंज, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं। मैग्नेटिक सिचुएशन की बात करें तो वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। जब आप इस रीजन में आ जाते हैं, लिक्विड टू गैस की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो फेज ट्रांजिशन होता है वो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है। तो जैसे अचानक से चेंज हुआ, वो वाला सिचुएशन ख़त्म हो जाता है। अब वो स्लोली ट्रांजिशन कर जाता है, लिक्विड से जो है गैस में ट्रांजिशन कर जाता है, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। कोई बहुत वायलेंट चेंज नहीं होता उस केस में। हालांकि जैसे आप देख रहे हैं वॉल्यूम में, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की वॉल्यूम जो है बढ़ रहा था, ठीक है। अब जैसे ही फेज ट्रांजिशन वाला टेम्परेचर आएगा, वहाँ पे वॉल्यूम अचानक से चेंज नहीं होता, बट जो एक्सपांशन रेट था वो चेंज हो गया। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितनी स्पीड से वॉल्यूम बढ़ रहा था अब उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। कुछ ऐसा सिचुएशन वॉल्यूम के लिए सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन में आपको देखने को मिला, जो कि फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पे वॉल्यूम अचानक से जंप करता था। तो ये फेज ट्रांजिशन के कुछ बातें हैं, ये चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। फॉर मोर डिटेल्स बालाकृष्णन को रिफ़र करेंगे तो बेटर रहेगा फेज ट्रांजिशन के लिए। मैग्नेटिज्म का जो एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एनालिसिस, वो मैंने आपको बता दिया है, और वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। ठीक है, ये चीज़ पकड़नी है आपको, एनर्जी जो होगा म्यू बी कॉस थीटा, अगर आप सारे डायरेक्शंस ले, जो कि रियल केस में काम नहीं आते। रियल केस में जो होता है स्पिन वाला सिचुएशंस होते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स आगे अलाइन होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे अलाइन होंगे। एनर्जी के वैल्यूज़ ये हैं, पॉसिबल वैल्यूज़, पार्टीशन फंक्शन बना लिया वगैरह वगैरह, और मैग्नेटाइजेशन चेक कर लिया, और फिर वीस का जो मॉडिफिकेशन है, वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी का, उसको अप्लाई किया, तो उससे फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो एक्सप्लेन होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। वीस मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, उसके पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको हम लोग अभी टच नहीं करेंगे। फिलहाल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स का कोर्स यहाँ पे स्टैट मैक का ख़त्म हो जाता है। मे बी मैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड या अदरवाइज कुछ और क्वेश्चंस करवाऊँ, बट अदरवाइज थ्योरी पार्ट आपका यहीं तक है, इससे ज़्यादा मैं आपको कवर नहीं कर रहा। बाकी तो काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, लेक्चर्स आपके पास यूट्यूब में रखे हुए हैं। ओके, सो सायोनारा।